Hello guys, welcome back. Today topic is very interested. So today topic is SFD and BMD. So guys, आज हम discuss करेंगे SFD और BMD के बारे में. इस topic को discuss करने से के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी होता है. इसमें हम simply support beam के बारे में discuss करेंगे, जिसमें point load लगा है. UDL के बारे में हम अगले video में discussion करेंगे, ठीक है दोस्तों. तो हम ये है सिंपली सपोर्ट बीम, जिस पे दो सपोर्ट लगा है, इस पे कोई डब्ल्यू न्यूटन का कोई बार लगा है, ये रिएक्शन लगे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों. तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके नीचे ही हमारा जो भी एफबीडी बनेगा वो उसको नीचे ही बनाया जाता है, क्योंकि ऐसे नहीं करने से क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है दोस्तों. तो ये चीज ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले उसके नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि इधर उधर बनाने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों. तो ये चीज ध्यान देना कि उसके नीचे ही हमें फिगर बनाना होता है. दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ठो बीम है जिसपे दो सपोर्ट लगे हैं, सपोर्टों पे दो प्रतिक्रियाएं काम कर रही है, रिएक्शन काम कर रहा है, आर ए और आर बी, ठीक है दोस्तों. बीच में डब्ल्यू न्यूटन का बार लगा है, बीम की लंबाई है 2x और जो सेंटर पर लगा है वहां से बीच की दूरी है x और इधर होती है x, ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम बीमों पर रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है दोस्तों. तो बीमों पर रिएक्शन निकालने के लिए सिग्मा एफ इक्वल टू बलों के संतुलन नियम से सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है दोस्तों. तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो डब्लू, ठीक है दोस्तों. और अब इसके बाद से हमें मूवमेंट को जीरो करना होता है. मूवमेंट को जीरो करने के साथ साथ एक चीज हमें ध्यान देना होता है दोस्तों, क्योंकि हमें किसी एक रिएक्शन पे हम मूवमेंट ले लेंगे ताकि एक रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो दूसरे रिएक्शन का मान निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों. तो हम पॉइंट ए पे लेते हैं रिएक्शन जीरो, ठीक है दोस्तों, एट पॉइंट ए पे ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों. तो यहां से जो होता है, यहां से ये दोनों जो लग रहे हैं आर ए और आर बी, ये ऊपर की तरह लग रहे हैं, ये नीचे की तरह लग रहा है फोर्स, तो इसलिए हम साइन कन्वर्जन मानते हैं. देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर की तरह जो भी फोर्स लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज उसे हम पॉजिटिव मान रहे हैं इस क्वेश्चन में, और जो नीचे की तरह लग रहा है उसे हम नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों. तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान देना, ठीक है दोस्तों. तो ऊपर की तरह कौन कौन सा बल लग रहा है, आर ए लग रहा है और आर बी लग रहा है. तो आर ए पॉइंट से आर बी की दूरी कितनी है, 2x है, 2x इंटू आर बी, ठीक है दोस्तों. प्लस ये जो ऊपर की तरह लग रहे हैं प्लस हो जाएंगे, और इसके ए से ए की दूरी जीरो है, जीरो इंटू आर ए, ठीक है दोस्तों. तो इक्वल टू ये बल नीचे की तरह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है दोस्तों. तो इसे हम हल करेंगे तो आएगा आर बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, ठीक है दोस्तों. और इसका मान हम इक्वेशन समीकरण एक में रखते हैं तो आर ए का मान निकल जाता है डब्ल्यू बाई टू, ठीक है दोस्तों. इसके बाद निकालना होता है दोस्तों एस एफ डी. एस एफ डी का मतलब होता है सीयर फोर्स डायग्राम. सीयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस इन पॉइंटों पे सिर्फ फोर्स को कंसीडर करना होता है, ठीक है दोस्तों. तो लिखते हैं हम सीयर फोर्स एट पॉइंट बी. बी पे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, तो बी पे फोर्स जो देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमने निकाला था बी पे निकला था दोस्तों, ये निकला था डब्ल्यू बाई टू, तो इस पे डब्ल्यू बाई. तो अब निकालते हैं इस बी और सी के बीच कॉन्स्टेंट लाइन मिलेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों. तो इसके बाद से हम सी पॉइंट पे निकालते हैं. सी पॉइंट पे कितना है, डब्ल्यू न्यूटन नीचे की तरह लग रहा है, तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू, तो हो जाएगा ये माइनस डब्ल्यू बाई टू. अब पॉइंट ए पे निकालते हैं दोस्तों, तो पॉइंट ए पे निकालेंगे बी सी और ए के बीच में हमें कॉन्स्टेंट लाइन मिलेगी क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों. तो पॉइंट ए पे निकालते हैं एफ ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई टू, और इसका एफ ए का मान निकला था डब्ल्यू बाई टू, तो ये प्लस का डब्ल्यू बाई टू, ये हो जाएगा जीरो, यानी कि रिफरेंस लाइन पे हमारी फिर से फिगर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों. फिगर बनाते हैं दोस्तों, देखिए एफबीडी बनाते हैं, ये देखिए ये रिफरेंस लाइन खींचते हैं. सबसे पहले फिगर बनाने के रिफरेंस लाइन खींचा जाता है, उसके बाद से ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा और ये सी डैश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों. तो हमें ए पॉइंट पे कितना निकला था डब्ल्यू बाई टू, वो भी प्लस का, तो प्लस का हमने पहले सबसे पहले हमें डाटा माना जाता है कि W न्यूटन इक्वल टू एक सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों. तो इसे हमने मान लिया, उसके बाद से ये W बाई टू ऊपर की तरह गया, उसके बाद से यहां से इसके बीच में कांस्टेंट लाइन है, कोई बार नहीं लगा है, तो ये सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है दोस्तों. तो और यहाँ पे C पॉइंट पे हमें निकला था माइनस का W बाई टू, यानी कि नीचे को आएगा, ठीक है दोस्तों. ये आ गया नीचे को W बाई टू, ठीक है. उसके बाद से इसके बीच कांस्टेंट लाइन है, तो ये सीधी लाइन है. उसके बाद से ये A पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये मिल गया हमारा फिगर. ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, हैजिंग कर दिया जाता है दोस्तों, थोड़ा सा फिगर को
अच्छा दिखने के लिए क्वेश्चन को एग्जामिनर समझ जाए, इस मारे हैजिंग कर लिया जाता है दोस्तों। अब निकालते हैं दोस्तों बीएमडी। बीएमडी के लिए सबसे पहले हमें मोमेंट इसमें कंसीडर करना होता है, तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। सबसे पहले हमें राइट साइड से लेके चलते हैं, राइट साइड से हमें आसानी होती है, इसलिए हम राइट साइड पे सबसे पहले कंसीडर करते हैं, राइट साइड वाले पॉइंट पे, जो भी राइट साइड पॉइंट हो आपका क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो हम एमबी पे निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में बात कर चुके थे कि शियर फोर्स में हमें हमेशा सीधी लाइन मिलती है और बीएमडी में तिर्यक लाइन मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो बी एम एम वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट जीरो होगा क्योंकि यहाँ से कोई आगे लेंथ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जीरो होगा। अब पॉइंट सी पे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सी पे हमारा निकलेगा, सी पॉइंट पे देखिए दोस्तों ये है, यहाँ से इसके बीच की दूरी यक्स है और यहाँ पे एक तो भार काम कर रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका पॉजिटिव लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्स दूरी पर, उसके बाद से ये भार हो गया, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स बाई टू। अब आते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये हो जाएगा दोस्तों, ये बार ऊपर की तरह काम कर रहा है, ये नीचे की तरह काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से इसके बीच की दूरी टू एक्स है, टू एक्स इंटू आर बी। आर बी का मान कितना था, आर बी का मान हमारा मिला था दोस्तों डब्ल्यू बाई टू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से ये नीचे की बार काम कर रहा है, माइनस का ये डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। देखिए दोस्तों दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी जीरो हो गया। देखिए हम जब भी बीएमडी निकालते हैं तो इसमें एंड पॉइंटों पे मोमेंट जीरो आना ही आना चाहिए, अगर नहीं आता है क्वेश्चन में आपका तो दे आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। देखिए दोस्तों सबसे पहले रिफरेंस लाइन खींचते हैं, उसके बाद से उसी पॉइंट को डबल डैश करके लिखते हैं, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश। अगर आपका जीरो नहीं आता है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, आप क्वेश्चन को चेक करें। जैसा कि हमने बताया था कि हम जब भी बीएमडी बनाते हैं तो उसमें तिर्यक लाइन मिलती है, ये पॉइंट लोड के लिए है। अगर हम यूडीएल के लिए बात करें तो उसमें परवलयाकार मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हम पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं, पॉइंट लोड में हमारा ये आया था, यहाँ पे जीरो आया था बी पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से चलेगा फिर सी पॉइंट पे आया था डब्ल्यू एक्स बाई, लीजिए यहाँ पे है डब्ल्यू एक्स बाई टू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने जैसे बताया कि तिर्यक लाइन मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी ये हो गया, तो ये मिल गया हमारा बेंडिंग मोमेंट बीएमडी, इसे कहते हैं बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।